माइग्रेन या धिकापारी या आधा सीसी का दर्द एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसका मेडिकल साइंस को कोई कारण नहीं मालूम है। आज मैं आपके सामने एक केस प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो माइग्रेन का है और इस माइग्रेन नामक बीमारी से यह लेडी पिछले 8-10 सालों से ग्रसित थी। माइग्रेन इनके जीवन का एक पार्ट बन गया था और पर डे इनको माइग्रेन होता था। हाँ, यहाँ पर हमको माइग्रेन के साथ में टेंशन हेडेक, साइनस हेडेक का अंतर जानना होगा। साइनस हेडेक जो मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस होते हैं उसमें अगर साइनसाइटिस हो जाए तो उसके नाते होता है और मोस्टली वो जुखाम उसके साथ पेशेंट को बना रहता है और मोस्टली वो यहाँ और यहाँ पे होता है। जो टेंशन हेडेक होता है एक बैंड की तरह आपके सर में रहता है और जो माइग्रेन होता है माइग्रेन में हमेशा एक ऑरा आपको महसूस होगा, मोस्टली वो वन साइड में होता है और आपको पहले से एक एहसास होने वाला होता है कि अब माइग्रेन होने वाला है। उसके साथ आंखों में चमक भी आती है कभी कभी, उसके साथ कभी कभी चक्कर भी आते हैं, कभी कभी आपको ब्लैकआउट जैसा भी हो जाता है और मोस्टली पेशेंट अंधेरे में रहना चाहता है क्योंकि चमक तेजी से लगती है। तो आइए देखिए मेरे साथ ये माइग्रेन का केस जो पिछले 10-12 सालों से डेली परेशान रहती थी और देखिए इनका कुछ और चीज़ों का भी साथ में मेरा इलाज चल रहा था और अभी भी इलाज इनका चालू है, लेकिन जो माइग्रेन इनका 12 सालों का जो डेली जो लेडी परेशान थी वो देखिए कि किस तरह से इलाज के द्वारा पूर्णतया स्वस्थ हो गई। माइग्रेन कब से है? माइग्रेन तो ज्यादा दिन से। कई साल से है? करीब हो गया होगा 8-8 साल। कितने दिनों पे होता है आपको? मतलब जैसे दवा वा खाने पे जैसे कि सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा तो थोड़ा बस रिलीफ मिलता है, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब बना रहता है दर्द। रोज बना रहता है? रोज बना रहता है दर्द 8 साल से। जी। अच्छा, और डायबिटीज कब से हुआ आपको? डायबिटीज भी वही पता चला है उसी के बाद। ठीक है, चलिए इलाज करते हैं आपका। दवा का चुनाव करेंगे और उसको हम खाने के लिए ही देते हैं दवाई, हम बाल से इलाज करते हैं। हाँ, एक बाल लेके हम एक पर्टिकुलर दवा में लगा देंगे, खाने की कोई दवाई यहाँ से नहीं मिलता किसी रोगी को। ठीक, कैसा रहा सिर दर्द आपका? नहीं डॉक्टर साहब, आराम नहीं, वही कुछ समय के लिए कहीं हो जाता है और फिर होने लगता है। पहले जितना होता था उतना ही दर्द होता है? हाँ, दर्द तो उतना ही होता है, बीच बीच में खत्म हो जाता है। पहले क्या होता था, हमारे ट्रीटमेंट के पहले क्या स्थितियाँ थी? हाँ मतलब दर्द तो वही होता था। हाँ। लेकिन जो नहीं अभी जल्दी मतलब खत्म हो गया था। हाँ। और फिर अभी कल परसों से होने लगा है। हमारा ट्रीटमेंट जब हाँ, ये है कि आपके ट्रीटमेंट से ये है कि बहुत जैसे बर्दाश्त से अंदर रहता। अच्छा, पहले बर्दाश्त से बाहर बाहर हो जाता था। अच्छा, और पहले कितना जल्दी जल्दी होता था, अब कितना जल्दी जल्दी होता है? पहले तो जैसे 2-4 दिन मतलब वो गैप जाता था, अब तो हफ्ते भर चला जाता है कि नहीं होता है और फिर होने लगता है। तो बस ठीक है, ऐसे ही होगा। आपका बहुत सालों का प्रॉब्लम है ना, आपको 10 साल का पुराना माइग्रेन। ठीक है, इसमें हम ऐसे ही इलाज करेंगे। जब आपका इलाज जब ऐसे चलता रहेगा तो ये जो टाइम है ये टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे पहले आपको हर दूसरे दिन से होता था, अब आपका हफ्ता 10 दिन पे होता है, फिर आपका और सर नहीं डॉक्टर साहब ये पूरा हुआ आपका स्पॉन्डिलाइटिस भी है ना साथ में आपको, उसकी वजह से है। हाँ, और डॉक्टर साहब पहले यही था, फिर ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वो भी ठीक है। एक्सरसाइज क्या कीजिए सर्वाइकल से? एक समस्या था माइग्रेन का 10 साल पुराना, वही बताने हैं। कैसा है वो? वो उतना नहीं है लेकिन होया करता है, मतलब थोड़ा। पहले से कितना फर्क है उसमें? बहुत फर्क है डॉक्टर साहब। पहले कितना दिन पे हो जाता था आपको? पहले हफ्ते में होता था, जैसे थोड़े दिन 2-4 दिन सही रहता था फिर होने लगता था। और इतना कैसे ठीक होता था? हाँ, फिर वही है कि जैसे वो लगा लेते थे कुछ, वो दवा नहीं खाते थे लेकिन। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके वजह से थोड़ा सा। ठीक है, वो चीज अब महीने में कितने बार नहीं है, जैसे कीड़े ऐसा काटना लगता था डॉक्टर साहब, वो चीज नहीं है लेकिन कीसन अभी है। अच्छा ठीक है। हाँ, कीसन अभी है लेकिन कीड़े ऐसा जो काटने लगता था वो अब नहीं है। डॉक्टर साहब कल परसों था वैसे ही, लेकिन अब ज़्यादा ज़्यादा दिन पे ये होता है कि ज़्यादा ज़्यादा दिन कितने कितने दिन पे होता है? अब ये होता है 15-20 जैसे महीना ऐसे होता है। पहले रोज होता था? नहीं, पहले हफ्ते हफ्ते में होता था, एक हफ्ता सही रहता था एक हफ्ता वो रहता था। बस वो कैसा माइग्रेन कैसा? वो सही है डॉक्टर, एकदम ठीक है। हाँ, शुगर भी ठीक है? शुगर भी ना डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं कि जैसे शुगर नॉर्मल है, दवा कहीं खाते हैं कहीं नहीं खाते, तो ऐसा तो नहीं है कि ना खाएं। आप पहले चेक कराते रहे, वो दवा भी फेंक गया, वो हो गया। डॉक्टर मजहर हुसैन को आपने दिखाते? जी, कितने साल से माइग्रेन था आपको डॉक्टर साहब? कम से कम 10-12 साल हो गया होगा।
और हमारा दवाई चलते अभी 2.5-3 महीना हुआ आपका, और ठीक हो गई आप? लाभ मिला, एक दो बार वाली दवा जो आपको दिखाई थी वो खाई थी, फिर उसके बाद नहीं खाई है। और पहले कितने कितने दिन पे खाना पड़ता? बहुत जल्दी, एक हफ्ता अगर हमारा वो वाली टेबलेट खा ली जो रखे हुए है, बस ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन बस, उसके बाद फिर शुरू। यही पे जैसे कीड़ा, इस जगह जैसे कीड़ा काटने लगता था, कि जैसे वो मुंह के छाले की दर्द नहीं होती डॉक्टर साहब, वैसे ही दर्द होता था बिल्कुल, मुंह के छाले की दर्द। अच्छी बात है, वो भी बिना दवाई को खाए हुए ठीक हो रही। हाँ डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वो है बहुत सही है, पहले से बेहतर है। माइग्रेन आपका यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो क्लासिकल होम्योपैथी से इलाज इस बीमारी का संभव है, और इसके लिए आप क्लिनिक आ सकते हैं। क्लिनिक लखनऊ में स्थित है, और ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर एक लिंक पड़ी हुई है, उससे आप कंसल्टेशन अपना बुक करके वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।